हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज हम आए हैं गौशाला। कहते हैं हिंदू धर्म में गाय की सेवा का महत्व एक अलग ही जगह पर है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा महानता है। गाय की सेवा सर्वोच्च मानी गई है। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सी रुकावटें, परेशानियाँ, दिक्कतें चल रही है, तो कहते हैं अमावस्या में अगर आप गौओं को चारा आदि डालने गौशाला जाते हैं, तो इससे आपके जो पितृ रुष्ट है वो शीघ्र ही प्रसन्न होने शुरू हो जाते हैं और आपके रुके कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी गईये, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गईये, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। आगे आगे गईये, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। क्या खाए गईये, क्या खाए ग्वाल, क्या खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गईये, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। घास खाए गईये, दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गईये, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तो गाइस, मैं हर अमावस्या पर अपनी फैमिली के साथ गौशाला आती हूँ। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा गौओं की सेवा करें। अगर आपके घरों के आसपास भी गाय आपको मिलती है घूमती फिरती, अगर वह गंदगी में मुंह मारती है, तो उसे रोकिए, क्योंकि गौ को परमात्मा द्वारा गाय को गौ माता का दर्जा प्राप्त है। जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो गौ माता ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाते हुए पार लेकर जाती है। दोस्तों, कहते हैं जब हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ हो, उसमें गौमूत्र और गौ के गोबर का लेप बहुत ही अवश्य होता है। दोस्तों, अगर आप अपने पितरों को खुश करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सबसे एक आसान तरीका बताऊंगी। आप मस्या को ज़्यादा से ज़्यादा किसी गरीब इंसान को, कोई बुज़ुर्ग हो या महिला हो, उसको सफ़ेद बर्फ़ी खिलाए और अपनी श्रद्धा से दक्षिणा वगैरह दे। कहते हैं सफ़ेद बर्फ़ी से पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आप पर अपनी कृपा बरसानी शुरू कर देते हैं। तो गाइस, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी मेरे कमेंट सेशन में बताइए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी के साथ आपकी बहन आपसे विदा लेती है। अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।
देखिए गाइस, यह बछड़ा बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। इसकी खुशी के बारे हम तो नहीं जानते, लेकिन ये देखिए कितनी मस्ती में भाग रहा है और लोग इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। कई लोग इससे डर भी रहे हैं। ये एकदम उनके सामने जाता है, उनके पीछे भागता है। तो हमारे भी पीछे आया था, हम भी जो भागने लग गए।